हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी पिछली दो एडवेंचर मूवीज़ वाली वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं फिर लाया हूँ एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवीज़ जो देवताओं और युद्ध से जुड़े हुए हैं, और ये सारी मूवीज़ एक से बढ़कर एक हैं। यदि आप इन्हें देखना स्टार्ट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट हमेशा लास्ट तक बना रहेगा, और ये मूवीज़ भी हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी मूवीज़ के बारे में। तो फ्रेंड, पांचवें नंबर पे है गॉट ऑफ इजिप्ट। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb रेटिंग मिली थी 5.4। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। स्टोरी की बात करूँ तो ये स्टोरी है मिस्र काल की, जहाँ हैरिस हवा का देवता होता है जिसे मिस्र की देवता बनाने की तैयारी की जाती है। तभी वहाँ पे सेट, जो रेगिस्तान का देवता होता है, आता है। फिर हैरिस और सेट के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हैरिस युद्ध हार जाता है। सेट हैरिस की दोनों आंखें निकाल कर उसे जिंदा छोड़ देता है। फिर फिल्म में कई सालों के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक लड़का जिसका नाम बैक होता है, वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया होता है। लेकिन मिस्र में सेट के शासन की वजह से ये दोनों आपस में शादी नहीं कर पाए, जिससे वो आपस में प्लान करते हैं कि यदि हैरिस की आंखें लौटा देंगे तो हैरिस यानी हवा का देवता उनकी मदद करेगा। बैक हैरिस की एक आंखें तो बहुत मुश्किल से लेकर आ पाता है, लेकिन जब वो हैरिस को लौटाने जाता है तभी उन पर हमला होने की वजह से उसकी प्रेमिका घायल हो जाती है और फिर मर जाती है। जिस पर हैरिस बैक से कहता है यदि वो उसकी दूसरी आंख लाने में भी उसकी मदद करेगा तो उसकी प्रेमिका को जिंदा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं बैक को हैरिस की आंखें लाने के लिए किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। यह फिल्म यूट्यूब पे हिंदी में अवेलेबल है। चौथे नंबर पे है क्लास ऑफ द टाइटंस। यह 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के अब तक दो पार्ट आ चुके हैं, जिसको IMDb रेटिंग मिली थी 5.8। यह भी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। स्टोरी की बात करूँ तो यह कहानी है उस टाइम की, जब देवताओं ने इंसानों को बनाया होता है कि इंसान उनकी पूजा करेंगे, जिससे देवता हमेशा के लिए अमर रहेंगे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इंसान देवताओं की पूजा कम करने लगते हैं, जिससे देवता नाराज हो जाते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि एक मछुआरा समुद्र में साबूत पाया जाता है, जिससे बच्चा जिंदा होता है। वह मछुआरा उस बच्चे का नाम पर्सियस रखता है। पर्सियस के बड़े होने के साथ साथ उसके शहर में अत्याचार बढ़ता रहता है, इससे उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो दूसरी जगह पर रहेगी। तब वह जब समुद्र के रास्ते दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो किनारे पर कुछ सैनिक गॉड ज्यूस के स्टैचू को गिरा देते हैं, जिससे समुद्र के नीचे से कुछ अजीब क्रिएचर निकलने लगते हैं जो उन सैनिकों को मारने लगते हैं। साथ में हैडिस भी आता है, जो कि पाताल का देवता होता है। हैडिस उन सैनिकों के साथ साथ पर्सियस की फैमिली को भी मार देता है, जिसे पर्सियस हैडिस से बदला लेने को ठान लेता है। तो फिल्म के अगले सीन में शहर के राजा के सभा को दिखाया जाता है, जहाँ पर फिर से हैडिस आता है और वो कहता है वो कुछ दिनों में सबसे खतरनाक दानों को भेजने वाला है, जो इस पूरे शहर को खत्म कर देगा, और यदि आप शहर को बचाना चाहते हो तो आपको राजकुमारी की बलि देनी पड़ेगी। और वहीं पे पर्सियस भी होता है, जिसे हैडिस देख के कहता है ये ज्यूस का बेटा है। यह सुनकर राजा पर्सियस से मदद मांगता है। तो पर्सियस किस प्रकार से उस दानों को हराकर अपनी राजकुमारी को बचाता है, इसको जानने के लिए आप यह फिल्म देख सकते हैं। यह फिल्म आपको Amazon Prime पे हिंदी में मिल जाएगी। तो फ्रेंड, तीसरे नंबर पे हरकुलिस। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 6। यह भी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। स्टोरी की बात करूँ तो यह फिल्म हरकुलिस पे बनी है, और हरकुलिस भी ज्यूस का ही बेटा होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक शहजादी आती है जो हरकुलिस को बताती है कि उसके कुछ खास लोगों ने उसके साथ गद्दारी की है, जिससे पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ चल रही है, जिससे उसे हरकुलिस की मदद चाहिए। हरकुलिस मदद के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन राजा की सेना पूरी नौसुखिय होती है। तो हरकुलिस कैसे कम और नौसुखिय सेना के साथ किस प्रकार से बड़े सेना का सामना करता है, ये जानने के लिए आप फिल्म को देख सकते हैं। यह फिल्म Amazon Prime पे हिंदी में अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे है ट्रॉय। यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 7.3। यह एक एडवेंचर वार ड्रामा मूवी है। स्टोरी की बात करूँ तो यह फिल्म दो राज्य ट्रॉय और स्पार्टा के युद्ध पर बनाई गई है। यह युद्ध स्पार्टा और ट्रॉय के बीच वर्षों से चली आ रही होती है। फिर एक समय पर ट्रॉय के राजा अपने बेटे हेक्टर और पेरिस को स्पार्टा के राजा मैग्नोनॉर से संधि करने के लिए भेजते हैं, लेकिन पेरिस का मैग्नोनॉर की बीवी के साथ चक्कर चल रहा होता है। जब हेक्टर और पेरिस ट्रॉय के लिए वापस लौट रहे होते हैं
तो पेरिस मैग्नोनोर की बीवी को भी भगा लाता है, जिससे स्पार्टा और ट्रॉय के बीच फिर से युद्ध का माहौल बन जाता है। फिर स्पार्टा के राजा मैग्नोनोर अपने भाई एग्नोनोर से ट्रॉय पे हमला करने के लिए मदद मांगते हैं। वहीं एग्नोनोर की सेना में फुर्तीला और बुद्धिमान योद्धा एक्लिस रहता है। पहले तो एक्लिस युद्ध में जाने से मना करता है, फिर वह अपने माँ के समझाने पर युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक्लिस स्पार्टा के सैनिकों के साथ ट्रॉय की ऊंची दीवारों को किस प्रकार से फांदता है, जहां पर बिना मेन गेट के एंट्री से ट्रॉय में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यदि आप जानना चाहते हैं इस युद्ध में स्पार्टा जीतती है या ट्रॉय और एक्लिस के साथ क्या होता है, तो आप ये फिल्म को देख सकते हैं। और सच बताऊं तो ये फिल्म मेरी फेवरेट है, और ये फिल्म भी आपको अमेजन प्राइम पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। पहले नंबर पे है 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। यह फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 7.6। यह फिल्म एक एडवेंचर वार ड्रामा मूवी है। स्टोरी की बात करूं तो फिल्म की शुरुआत होती है स्पार्टा से, जहां पे एक बच्चे का जन्म होता है जिसे बचपन में ही ट्रेनिंग दी जाती है। जब उसकी ट्रेनिंग कम्प्लीट होती है तो उसे एक इम्तिहान देना पड़ता है। जब वो इम्तिहान पास करता है तो उसे स्पार्टा का राजा घोषित कर दिया जाता है, और इस राजा का नाम लियोनाइडस होता है। समय बीतने के साथ साथ एक दिन लियोनाइडस के पास एक दूत आता है, जिसे फारस ने भेजा होता है। फारस के पास एक बहुत बड़ी सेना होती है। यह दूत लियोनाइडस को डराने के लिए अपने साथ मरे हुए राजा की खोपड़ी लेकर आता है, और लियोनाइडस की पत्नी के साथ बदतमीजी से बात करता है, जिससे लियोनाइडस क्रोधित में आकर दूत और उसके सैनिकों को मार देता है। लियोनाइडस को इस बात का भी अंदाजा होता है कि यदि यह बात फारस को मालूम चलेगी तो वह स्पार्टा पे हमला कर देगा, लेकिन लियोनाइडस भी एक सातिर योद्धा होता है। वह स्पार्टा के 300 बेहतरीन योद्धा के साथ पहले ही फारस पे हमला करने के लिए निकल जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि लियोनाइडस किस प्रकार से इन 300 सैनिकों के साथ फारस की लाखों की सेना को हराता है, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। यह फिल्म भी आपको अमेजन प्राइम पे हिंदी में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी रिकमेंड की गई फिल्म अच्छी लग रही होगी। यदि आपको एडवेंचर और फैंटेसी मूवी अच्छी लगती है, तो आप हमारी एडवेंचर वाली सीरीज को देख सकते हो, जो आपको अभी आई बटन पे क्लिक करने पे मिल जाएगा, और साथ ही मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको एडवेंचर मूवीज पसंद है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें मिलती है मोटिवेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।